बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर विवादित बयान को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भाजपा के निशाने पर हैं। श्री मीर ने एक चुनावी सभा के दौरान कथित तौर पर बयान देते हुए कहा था कि इंडी गठबंधन की सरकार घुसपैठियों को भी गैस सिलेंडर कम दर पर उपलब्ध कराएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर देश को बांटने का काम कर रही है। इधर भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने गुलाम अहमद मीर के बयान पर कांग्रेस और झामुमो से जवाब मांगा है। ये आम जनता न उसमें हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। कांग्रेस के प्रभारी मीर साहब ने क्या कहा कि घुसपैठियों को भी गैस सिलेंडर सस्ता देंगे। अरे राहुल गांधी जी, कितने और चाटुकारिता करोगे, तुष्टिकरण की राजनीति करोगे? कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी से जवाब चाहता हूं। जवाब दें सोनिया जी, क्या वो अपने नेता गुलाम अहमद मीर से सहमत है कि 450 रुपया में घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देंगे?